लोकसभा चुनाव के लिए दोनों प्रमुख दलों ने विषाद बिछाना शुरू कर दिया है, जहां भाजपा ने अपने वर्तमान सांसद पर भरोसा जताकर एक बार पुनः अनिल फिरोजिया को मैदान में उतारा, तो वहीं कांग्रेस ने तराना के विधायक महेश परवार को उतार कर चुनाव को रोचक बना दिया। कांग्रेस के चुनाव प्रचार पर पहली बार आलोट नगर में आए महेश परमार ने सबसे पहले आलोट पहुंचकर अनादि कल्पेश्वर महादेव की पूजन अर्चन की और वहां से सीधे होली मिलन समारोह के कार्यक्रम में पहुंचे। आलोट विधानसभा ब्लॉक कांग्रेस के तत्वावधान में आयोजित होली मिलन समारोह को संबोधित करते हुए महेश परमार ने कहा कि भाजपा के नेता किसानों की बात जरूर करते हैं, लेकिन वह जो वादे करते हैं पूरा नहीं करते, लेकिन केवल झूठ बोलकर उन्हें गुमराह किया जाता है। मैं कांग्रेस के टिकट पर आपके यहाँ से चुनाव लड़ रहा हूँ और मैं आपसे वादा करता हूँ कि जो कार्य यहाँ पर अब तक नहीं हो पाए उन सभी कार्यों को करूँगा। पिछले 5 सालों में अपने लाखों मतों से जिताकर पहुँचाया, उन्होंने कभी आपकी आवाज़ बनने की कोशिश नहीं की, किसानों के लिए आवाज़ नहीं उठाई, बेरोजगारों के लिए कोई बात नहीं की, महिला सशक्तिकरण के लिए कोई पहल नहीं की। उक्त बात यशोदा धाम मैरिज गार्डन में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के होली मिलन समारोह में कही गई। होली मिलन समारोह को विधायक कुणाल चौधरी ने अपने चिरपरिचित अंदाज में कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और उनमें जोश भरा। विधायक भैरव सिंह परिहार, विधायक दिनेश एन बोस, कांग्रेस जिला अध्यक्ष कैलाश पटेल, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह सोलंकी, जनपद उपाध्यक्ष प्रतिनिधि नरेंद्र सिंह परिहार, शहर कांग्रेस अध्यक्ष अभिनव निगम, यूथ कांग्रेस अध्यक्ष अशोक पांचाल, प्रदेश प्रवक्ता योगेंद्र सिंह जाधव सहित चारों ब्लॉक अध्यक्ष और नेताओं ने संबोधित किया। इस अवसर पर नगर परिषद में पार्षद अशोक खींची वापस कांग्रेस में लौटाए। पिछले वर्षों में कांग्रेस छोड़कर भाजपा का दामन थाम दिया था। कांग्रेस नेताओं ने दुपट्टा उड़ाकर स्वागत किया। कई भाजपा कार्यकर्ता भी भाजपा छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए। कार्यक्रम के बाद महेश परमार ने क्षेत्र के ग्रामीण अंचलों में जनसंपर्क किया। इस देश के वो लोग जो हिंदुस्तान की राजनीति से लेके इस हिंदुस्तान को बनाने का काम करते हैं और सही मुद्दों के लिए लड़ने का काम करते हैं, मैं ऐसे कांग्रेस की रीढ़ की हड्डी में मौजूद, हड्डी के रूप में मौजूद यहाँ के सभी कार्यकर्ताओं को प्रणाम करता हूँ। आपके चरणों में सर रख के प्रणाम करता हूँ, आपको नमन करता हूँ। मैं प्रणाम करता हूँ मेरे साथी, मेरे सीनियर। महापौर का उज्जैन का चुनाव हो, वो चुनाव भी महेश परमार जी जीत चुके थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बेईमानी करके हमारे महेश परमार जी को हराया, अन्यथा आपका महापौर बनना भी वहां पर उज्जैन में तय था। साथियों, ये जो समय है, ये समय कांग्रेस पार्टी में आने का सबसे अनुकूल समय है। कुछ लोग भ्रमित होकर के, कुछ लोग भ्रमित करके हमारी पार्टी को छोड़ करके पिछले कुछ समय में गए, वो आलोट विधानसभा का हो, मध्य प्रदेश के कहीं भी, कहीं का भी क्षेत्र हो, लेकिन मैं कहना चाहता हूं उनके बारे में कई जगह हमारे भाई भी चर्चा करते रहते हैं। मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि चर्चा उनकी होना चाहिए जिनमें कुछ बात हो या जिनके लिए कुछ बात हो, जिनमें कोई बात ही नहीं थी उनके लिए क्या बात करना। मेरा अनुरोध है कि हमारे पास अभी भी वो सारी शक्ति है, वो सारी ताकत है जिसके बलबूते पर हम इस आलोट विधानसभा में एक बार फिर परचम लहरा सकते हैं। आलोट संसदीय क्षेत्र में, आलोट विधानसभा में सरपंचों से 20% लेकर जो अभी भाजपा के उम्मीदवार है, उन्होंने किस तरह से भ्रष्टाचार का यहाँ नंगा नाच किया, और सबसे बड़ा मुद्दा इन 5 सालों में एक भी गाँव में जाकर जिन परिवारजनों ने, जिन आशीर्वाददाताओं ने, जिन माता बहनों ने, जिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भूखा प्यासा रहकर हजारों वोट से यहाँ जिताया, एक बार भी उनके दरवाजे पे या उनकी चौखट पे जाकर या उनके गांव में चौपाल पे जाकर या किसी मोहल्ले में जाकर, आलोट, बड़ाउदा, बरखेड़ा या ताल, किसी भी गाँव में जाकर, कहीं भी चौपाल पे जाकर, तहसील मुख्यालय में आज तक ना किसानों ये बीमे की लड़ाई लड़ी, ना किसान भाइयों के मुआवजे की लड़ाई लड़ी, ना कभी युवाओं के रोजगार के लिए युवा पंचायत बुलाई, ना गांव के विकास के लिए चुने हुए पंचायती राज के जनप्रतिनिधि, वो सरपंच हो, जनपद सदस्य हो, जिला पंचायत सदस्य हो, हमारे पंच साथी हो, ना कभी उनको बुलाकर संवाद किया गांव का विकास कैसे हो। चुने हुए नगर पंचायत, त्रिस्तरीय नगर पंचायत के हमारे प्रतिनिधि अध्यक्ष हों, पार्षद हों, ना कभी उनको बुलाकर बात की, सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार किया है। जो यार रेल ट्रेन रुकती थी वो ट्रेनें बंद हो गई। एक बार भी
आलोट विधानसभा में इन 5 सालों में मुश्किल से 5 बार 10 बार यहाँ आए और 2 लोगों के यहाँ बंधुआ सांसद रहे, ये मुद्दे प्रमुख मुद्दे हैं। लगभग राम मंदिर कर रहा है, जय श्री राम, हम भगवान श्री राम के भक्त हैं, हमारा राम हमारा हृदय में है, हमारी नेता इस बात का विरोध देश के अंदर किया जा रहा है। उज्जैन आलोट, उज्जैन आलोट संसदीय क्षेत्र के हमारे आशीर्वाददाता, हमारी माता बहने जागरूक है, सजग है, श्री राम प्रभु हमारे हृदय में है। किसानों, नौजवानों, पढ़े लिखे शिक्षित, हमारे यहाँ के व्यापारी बंधु, हमारी मातृशक्ति, सब लोग जानते हैं। वोट अगर मांगना है तो गारंटी के नाम पर मांगे। 5 साल में जो उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी का है, एक उपलब्धि उज्जैन आलोट संसदीय क्षेत्र के लिए, एक उपलब्धि आलोट विधानसभा के किसी भी, तीनों चारों हमारी नगर पालिका नगर पंचायत है, एक उपलब्धि, एक किसी भी ग्राम पंचायत में एक उपलब्धि। सब लोग सजग हैं, जागरूक हैं, जानकार हैं, धार्मिक है, सनातन धर्म को मानने वाले हैं और प्रभु राम में सबकी आस्था है, सबका विश्वास है, सबकी दृढ़ इच्छा शक्ति है, हमारे आराध्य हैं, सब समझते हैं, सब जागरूक हैं। सीएम के गढ़ से ही चुनाव लड़ रहे हैं, आप क्या चुनौती मानते हैं? भगवान महाकाल और भगवान अनादिकाल पे सुर महादेव कृपा से, छिपरा मैया के आशीर्वाद से, माँ काली सिंह के आशीर्वाद से ये हमारी जीवनदायिनी, हमारे किसान भाइयों की फसल यहाँ से पैदा होती है। आपने देखा, आज ही मैंने समाचार पत्रों में देखा, भगवान महाकाल लोक का भ्रष्टाचार। आलोट से राकेश चौहान की रिपोर्ट।